एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखो, एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स और मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी औषधि है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास को रोकती है और उनको समाप्त करती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। अब हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखो, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मीन्स प्रतिजैविक दवाई जीवाणु, फंजाई और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। ठीक है एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। अब देखो, यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। यहाँ पर ब्रिटिश भी आएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है एवरीवन, अब हम ये जानेंगे, क्लास 8th में ये भी दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट सावधानियाँ हैं कि एंटीबायोटिक्स डॉक्टरों की सलाह पर लेनी चाहिए। ठीक है एवरीवन, दूसरी सावधानियाँ ये हैं कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयों का हमें पूरा कोर्स करना चाहिए। ठीक है एवरीवन, तीसरी सावधानियाँ ये हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये खांसी, सर्दी, जुखाम पर कोई प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते ये खांसी, सर्दी, जुखाम पर प्रभाव? क्योंकि ये वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये था एंटीबायोटिक्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।